मोगा एक खूनी झड़प होने का मामला सामने आया। मामला मोगा के कस्बा धर्मकोट के पिंड जट्टी गट्टा का, जिथे दो धिर खूनी झड़प हो गई। दोनों धिर एक दूजे के उत्ते तेजधार हथियार के नाल हमला कर दिता गया। उत्थे ये मामला पुरानी रंजिश का दसिया जा रहा है। एक धिर के वलों दूजी धिर के उत्ते नशा वेचण के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उत्थे ही दूजे पासे जो दूजी धिर उन्हां दा कहना है कि उन्हां दे वलों अजिहा कोई भी काम नहीं किया जाता। जेकर कोई सबूत है तो उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस के वलों मामले की जांच की जा रही है। सानू तो पता ही नहीं चलिया, साढ़े घर आ बस सू कुटन ही लग गया। रमेश सिंह तो कला तो होर इन्हें गुंडे मंगाए हुए सी। दस जने सी। बस यो चिट्टे का ही रौला। सानू तो कोई पता नहीं चलिया जो साढ़े घर आके सू कुटन लग गए। हाँ जी, चिट्टा तो वेचता रमेश सिंह, चिट्टा वेचता, दोनों भरा ही वेचते हैं चिट्टा। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ? ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ। और मैं उन्होंने ये गल कही आ, मैं भी तू चिट्टा वेचदा, तेरे बार बार इल्जाम रहे। वो ये गल मैं कह रहा वा, कहिंदा जे तुसी मैनू जदों तो मैं जेल चो आया, जे तुसी मैनू साबित कर दो किते भी मैं चिट्टा वेचदा पाया जाना वा, तो मेरे तुसी परचा दिओ, मैं मीडिया के आप सामने आके जिहड़ा हैगा बयान दे दूंगा भी इन्होंने सही किया वा। ये बंदे पता नहीं इन्हां दी की रंजिश आपस च। वो पिंड जिहड़ा गट्टी जट्टा वा, वो एक इहो जिहा पिंड आ, ए बी नाल लड़दा, बी सी नाल लड़दा, सी ए नाल लड़दा पिया वा। उत्थे कोई पता नहीं लग रहा भी यह कौन कि इल्जाम ला रहे हैं एक दूजे से। कल जो इन्होंने 112 की कंप्लेट की है, मैं 112 की कंप्लेट पर गया भी सीगा और इन्होंने हटाया लड़न तो, और जो मैं असी इन्होंने हटा के वापस आ गए तो यह आपस से मगरों बाद लड़े है। और इन्हों की लड़ाई की रंजिश ये है भी कोई उत्थे मेशू ना का कोई बंदा हैगा वा जिदे इन्होंने पैसे देने, वो दे मिट्टी उन्हें पाई सी, वो दे पैसे देने से, उन्हें उत्तों की ट्रैक्टर चलाता जिहड़ी इंटरलॉक लाई सी, उस पिछे इन्हों की लड़ाई हुई है। होर इन्हों की कोई लड़ाई नहीं। जिहड़ी वीडियो पाउंदा वा ये अज तो साल पहलां दी वीडियो जिन्नियां भी पा रहा है, मेरे टाइम की जो कोई इन्हां कोल वीडियो हैगी आ तो मैनूं दिखाउण। जे हैगी भी आ तो NDPA सैक्टर यह कहिंदी आ भी जे बरामदगी हुंदी आ तां उह ते NDPA सैक्टर दा पर्चा दित्ता जांदा वा, ना कि शिकायत करन ते, जदकि इन्हां कोल कोई सबूत नहीं है। एक भी सबूत दिखा देने भी फलाना बंदा बेच रहा वा, आह देखो जी बेच रहा वा। जे एवें इल्जाम लाई जाने तो इन्हों के खिलाफ़ मैं कार्रवाई भी करूँगा। रघुविंदर जी, बरामदगी तो पुलिस ने करनी होंगी ना? बरामदगी करनी होंगी है, पर बरामदगी करने लिए सोचता साड़ियाँ समाज ही है ना, अखा नक् कन्न अखा सारा कुछ समाज ही है ना। सानू समाज नहीं दसना ना, समाज ने जे कोई चीज़ फड़ानी है तो दसदा भी है भी इतने फलानी थान पर पई है, सानू कोई सुपना तो नहीं होंदा, समाज ने ही दसना सानू, समाज ही साडे मुखबर आ, समाज ने ही सानू दसना वा। ये क्यों नहीं सानू फड़ाउंदे गे फिर, जे इन्हां नूं इन्ना पता भी चिट्टा फलाना बंदा बेच रहा तो फड़ो। कुछ नहीं है, कल भी इन्हों की आपसी लड़ाई आ, मैं मौके पर गया सीगा, इन्हों मैं हटाया, इन्हों मैं क्या दोनों पार्टियों भी उत्थे आके चौंकी जाओ, ये चौंकी जाने की बजाय ये चौंकी जी ने आए वो चले गए दूजी पार्टी, वो बैठे रहे ये आए नहीं। उन्होंने मैं मोटरसाइकिल चक लाया, वो कहें हाँ हाँ मोटरसाइकिल तुम्हें फड़ाया, पता नहीं कि इन्होंने मुड़ के उदू बाद लड़ाई हुई है। आ गल है इन्हों की, होर कुछ नहीं है, सिर्फ हूँ बयान देने तो यह जान बुझ के खराब कर रहे हैं, पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। जे पुलिस से कोई भी कोई गल निकलती है तो मैं बैठा वा, मैं जिम्मेवार इस गल का, पर जे बिना मतलब तो इल्जाम लाते हैं तो फिर इन्हों के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी कोई इनवॉल्वमेंट दिखा देन, मेरी किसी तरह की किसी समगलर ना दिखा देन तो मैं जिम्मेवार उस गल का, तो जे नहीं है तो फिर मैं इन्हों के खिलाफ़ कार्रवाई करने बजद मैं करूँगा। ये जी पांच दिन चार दिन पहला वीडियो बनाई है, साडा ये कोई लैन देन नहीं, असी मैं चिट्टा फड़ा हाँ जा वेचदा हाँ, मेरी वीडियो बनी है तो कोई नहीं, असी देनेदार 7 महीने हो गए मैंने जेल चो आए, मैं कदे यहोजा मंदा काम किया ही नहीं। दूजा नंबर आ लड़ाई का मैटर है जी, ये जाके साडा मुंडा गली दे विच गया, गली चो खिच के घरे लै गया, असी छडाउण गए हाँ, इन्हां कोले वीडियो बनी हुई है, वीडियो दे विच मेरे हत्थे कोई चीज़ विखा देन, कोई डांग सुट्टा मैं देनेदार हाँ, छडाउण गए उल्टा इन्हां दी जनानियां ने मेरे सिर विच कृपाना मारियां, उत्थे ही लड़ाई हो गई। उस टाइम छडाउण तां असीं मुंडे नूं गए हाँ, पर ये साडे गल पै गए।
जो घर मुंडे खिंच के लै गए हैं असं घरों छाउन तो जावे मुंडे ने जदों वेखो ये घर मुंडे खिंच के लै गए है तो फिर असी तो जावे ही कुछ ना कुछ कर जावे छाउन जावे अथड़ मुथड़ जावे मेरे हाथ में कोई भी चीज़ नहीं मुंडे गुस्से आए हैं भी मुंडा गली चु खिंच के लै गया जदों मुलाजमान ने कहा आके चौंकी नबेड़ो पर चौंकी जा जाके खुश ही नहीं सी नहीं जो छुड़ाउन गए हो तो कृपाना जिहड़ियां 10 12 बंदे ने जिहड़े कृपाना सोटियां लेके गए ने वो छुड़ाउन थोड़ा गए हो वह तो फिर जदों मन के चलो ये लड़ाई का मैटर इन्होंने बना लिया अगलिया सानू भी डर है भी असी खाली हथ गए जां कुछ सानू सट्टां वज्जण गईआं कुछ बंदे साडे खाली हथ गए कुछ कृपाना लैके गए जरूर पर मारियां नहीं वज्जियां जो भी इन्हां दे आप सी वज्जियां छुड़ाउंदिआं कुछ वज्ज गईआं मैं छुड़ाउंदा सी इन्हां दी इक कुड़ी तों वज्ज गई मेरे सट्ट एक ये डॉक्टर जिहड़ा मलकीत सिंह ये कोल वज्ज गई सट्ट आप दूजे तीजे का ना नहीं लेंगे तलाक की है पुलिस ने पहला साड़ी दरखास्त भी लगी हुई है एक दिन पहला साढ़े ना पुलिस नहीं मिली जी पुलिस नाल पहला भी नजायज़ कर रहे हैं तवे ला रहे हैं भी पुलिस रमेश ना मिली है चिट्टा विखाउंदी है पुलिस बिल्कुल सही आपदे कानून से जो कार्रवाई बनती है पुलिस करती है पर ये विच टांगा अड़ा के नजायज़ मुलाजमान नूं तंग करदे आ मुलाजमान का कोई भी कसूर नहीं तुसीं पहलां करदे रहे चिट्टा विच नगर हाँ जी दो साल पहलां असीं करदे उस तो बाद बिल्कुल बंद करता मैं जेल चलेगा असीं सौं पाती भी कम नहीं करना मोगा तो गुरदेव भाम दैनिक सवेरा टीवी